काफी धमाकेदार लग रहा है, आप तीनों ऑसम लग रहे हैं, क्या कहना चाहोगे करण सर? सबसे पहले आप मस्त लग रहे हैं। आई थिंक इट्स अ यू नो वी वर्क्ड ऑन दिस शो फॉर अ लॉन्ग टाइम और काफी मेहनत है इस शो में एंड वी कम टुगेदर ऑल थ्री ऑफ अस एंड यू नो नंदा मैम और यश सर हमें यू नो इतनी सारी वो बता के चले गए। द फैक्ट इज दैट कि उन्होंने एक बहुत अच्छा शो लिखा भी है और बहुत मेहनत की है क्रिएटिव्स की, राइटर्स की, यू नो डायरेक्शन टीम की, प्रोडक्शन टीम की एंड दिस इज द रिजल्ट। सो जब आप बहुत मेहनत करते हो और कुछ रिजल्ट अच्छा आता है, आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमें भी यू नो वी फील नाइस। एक्सपीरियंस यार ट्रिमेंडस था, अभी भी एक्सपीरियंस जारी है बहुत, हाँ बहुत हद तक जारी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दो भाइयों की जो कहानी है, मतलब ये करण ने मुझे बताया और मैंने भी चेक किया उसके बाद जाके कि ऑलरेडी कश्मीर नाम का एक हैशटैग बन चुका है करण और कश्मीर का, तो ये केमिस्ट्री कहीं पर झलकेगी वहाँ पे, जो लव हेट रिलेशनशिप है। तो आई थिंक ये एक अलग टाइप का शो है, अलग टाइप का एक्सपीरियंस है और मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अभी भी लाइव में हमने देखा बहुत से सवाल आ रहे हैं कि करण कहीं ना कहीं तेजू को भी होना चाहिए था, और भी बहुत से कमेंट आ रहे हैं ट्रेलर के बाद। आप लोगों ने कितने कमेंट किए हैं? हम तो यहाँ पर हैं, सो आई थिंक ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है आप लोगों के लिए स्पेशली, है ना। सो आई एम श्योर हमारे जितने भी लव्ड वंस हैं, हमारी फैमिलीज हैं, वो उनको भेजेंगे, हम उनका रिएक्शन देखेंगे एंड यू नो फैंस आर फैंस, सो देयर इज लॉट ऑफ लव दैट कम इन। जो पहला प्रोमो भी है, हमारे छोटे छोटे स्निपेट्स भी आ रहे हैं कश्मीर के, रीम के, मेरे, सो वी आर गेटिंग लॉट ऑफ लव और बहुत यू नो बहुत एंटीसिपेशन है, व्हिच इज समथिंग दैट वी रियली लाइक। गाइस यू नो ऑफर आया था आप दोनों को जब अप्रोच किया गया था शो के लिए, सो व्हाट, एक मिनट, शी ऑलरेडी स्टार्टेड करण बात का। ओके, इससे जब ऑफर किया गया था, अप्रोच किया गया था शो के लिए, व्हाट वाज योर रिएक्शन? बिकॉज़ ये एपिसोडिक है यू नो, तो जल्दी ये रैप अप हो जाएगा, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? वेल ऑनेस्टली one of the main reasons that you know I signed a show immediately after ending one show is because it's a finite, aur jab aap finite karte hain to aapko bahut sari cheezon ki assurance rehti hai, ye ki pehli baat aapki story stretch nahi hogi aur us wajah se jo aap kaam kar rahe hain usme you know quality mein aapko compromise nahi karna padega because story cut to cut finalized hai pehle se hi, show banne ke pehle se also and शो खत्म होने के बाद आपके पास और अपॉर्चुनिटीज रहती है काम करने की, लाइफ में कुछ और करने की। और आई अनदर थिंग अबाउट द शो, क्योंकि इट्स जस्ट 3 days अ वीक, तो उस वजह से आई गेस आई कैन बैलेंस आउट माय पर्सनल टाइम एज वेल, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। कश्मीर एंड करण, व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट सेम क्वेश्चंस? लाइक फर्स्ट रिएक्शन, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन यू नो जब अप्रोच किया गया था? एंड यस, तो मैंने तो आपके साथ भी इंटरव्यू किया है, शायद मैंने बहुत लोगों के साथ ये इंटरव्यू किया कि मैं फाइनाइट सीरीज ही करूंगा अगर टीवी पे करूंगा तो, क्योंकि मेरे हिसाब से 100 एपिसोड के बाद एक कहानी खत्म हो जाती है और उसके बाद फिर उसको सिर्फ एक्सटेंड किया जाता है, ऑब्वियसली दैट इज़ अ डिफरेंट फॉर्मेट डेली सोप्स, बट वो मेरे गणित में नहीं बैठता, मेरा जो करियर का प्लान है उसके गणित में नहीं बैठता और ये शो इस गणित में बैठ रहा था, वैसा है। सो आई एम ग्लैड, मैं इमीडिएटली मैंने हाँ ही बोलना था और क्या, पैसे अच्छे दे रहे थे। नो आई थिंक व्हाट ही इज सेइंग इज राइट, व्हाट शी सेड इट, यू नो इट्स अ फाइनाइट शो और फाइनाइट शो में आप ये लेवल की क्वालिटी दे सकते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम था, हमारे पास स्क्रिप्ट थी, हम प्री प्लान कर सकते थे कि हम बाहर जाएंगे, बजट तो। सो व्हाट हैपेंस इन अ शो लाइक दिस, नो आप भी फिर अपना एक्स्ट्रा यू नो एक्स्ट्रा 110-120% देते हो बिकॉज यू नो कि ये ग्राफ है कैरेक्टर का, ये प्री डिफाइंड है, ये अरमान का कैरेक्टर है, ये ईशा का कैरेक्टर है, ये वीर ये वीर का कैरेक्टर है एंड यू नो इट्स नॉट एन ईजी शो यू नो विद हैविंग टू बॉयज एंड अ गर्ल और वो भी यू नो ऐसे इतने बड़े लेवल का शो, बट इतना क्या खतरनाक बोल रहे हो। सो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ देयर रिस्पॉन्सेज, फर्स्ट यू नो इट्स ये जो शो है समथिंग दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट, वी आर होपिंग दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट, टीवी ऑडियंसेस आर डिमांडिंग मोर एंड मोर फ्रॉम टेलीविजन स्पेशली आफ्टर द लॉकडाउन बिकॉज नाउ दे आर इन्फ्यूज्ड विद ओटीटी, तो जो हाँ तो वो अब आप वो पुराने टाइप के शोज नहीं दे सकते, यू हैव टू कम, यू हैव टू वर्क हार्डर, यू हैव टू ब्रिंग न्यू एंड न्यू, दैट्स हाउ एनीथिंग इवॉल्व्स, सो आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट, दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट प्लान। एक डायलॉग जो बड़ा ट्रेंड हो रहा है, हेलो ब्रदर, आपने खुद बोले या डायलॉग आपको बुलवाया गया था? जो डायलॉग बहुत फेमस है, ये राइटर भी है शो का। हाँ जी, मैं खुद ही लिख रहा हूँ, इसके बाद जा रहा हूँ मैं अभी रूम में जाके, कल का एपिसोड लिखूंगा।
नहीं सी अगेन दीज आर थिंग्स दैट यू नो आप करते हैं और अगर वो चीज़ें ट्रेंड होती हैं तो उसका फायदा हमें मिलता है. सो या आई थिंक आई होप यू गॉट योर आंसर.